आइए आज अपन आज मैं आपको फ्रूट सलाद कैसे बनाते हैं आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप आधा लीटर दूध लीजिए उसे गैस पर। पंद्रह से बीस मिनट उबलने के बाद में दूध में आप चार चम्मच ठंडे दूध में ये कस्टर्ड पाउडर है आप मिक्स कर सकते हैं। पहले ठंडे दूध में आप मिक्स करिए। गर्म दूध में इसलिए मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें गांठ आ जाएगी। अब ये फल मैं आप ये कस्टर्ड पहले 50 ग्राम शक्कर पंद्रह से 20 मिनट उबलने के बाद में आप कस्टर्ड ठंडे दूध में घोल कर मिला दीजिए। जब तक कि आपको चलाते रहना है जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा हो गया इसमें गांठ नहीं आना चाहिए। इसको बंद कर दीजिए। आइए अब इसे आधा घंटे के लिए अपन ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। ये है एप्पल के पीसेस, ये है अनार के दाने, ये है बनाना पीसेस, ये है ग्रेप्स। सभी चीज़ों को धो के साफ कर लीजिए। ये है ऑरेंज, ऑरेंज सबसे लास्ट में जब अपन सर्व करेंगे तभी ऑरेंज डालेंगे। अभी आधा घंटे ठंडा होने के बाद में आप ये एप्पल के पीसेस डालिए, ये बनाना पीसेस डालिए, उसके बाद आप अनार के दाने डाल सकते हैं, आप ग्रेप्स डाल सकते हैं। ये आप 3-4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में कोल्ड होने के लिए। कोल्ड होने के बाद आप इसे सर्व कीजिए। ये तैयार फ्रूट सलाद।